हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा तुम बिन टू और फोर्स टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। चार दिन का कलेक्शन अब सामने आ चुका है और जिस हिसाब से फिल्म परफॉर्म कर रही है उसके बारे में बताना चाहता हूं आप सभी को। सबसे पहले मैं बात करता हूं फोर्स टू के बारे में। फोर्स टू ने पहले दिन से ही एक अच्छा बिजनेस चालू किया था। डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल बेसिस पे, बट कहीं ना कहीं लोगों ने फिल्म जरूर पसंद की है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफी ज्यादा सराहा है और ऑडियंस ने भी फिल्म को काफी अच्छा देखा है। और तो फर्स्ट डे का कलेक्शंस आपको बता दो, फर्स्ट डे फिल्म ने करीबन 6 करोड़ कमाए थे, दूसरे दिन फिल्म ने 6.5 करोड़ कमाए थे, तीसरे दिन फिल्म ने 7.5 करोड़ कमाए थे और उसके बाद फिल्म का जो टोटल हुआ था 3 दिन के बाद वो हुआ था 20.50 करोड़। और जो चौथे दिन का कलेक्शन है वो काफी कम रहा है, चौथे दिन फिल्म ने कमाया है 2.50 करोड़। उसके साथ ही फिल्म का कलेक्शन हुआ है 23 करोड़। जी हाँ, 23 करोड़ फिल्म ने कमाया है फोर्स टू ने। वहीं अगर बात की जाए तुम बिन टू का तो मतलब फोर्स टू का चौथे दिन का कलेक्शन की आप बात करें और तुम बिन टू के चारों दिन के कलेक्शन की बात करें तो वो भी एक ही तरह आपको लगेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं आप समझ जाएंगे। अभी तुम बिन टू ने पहले दिन 70 लाख कमाए, दूसरे दिन 80 लाख कमाए, तीसरे दिन फिल्म ने कमाया 1 करोड़ और चौथे दिन फिल्म ने कमाया सिर्फ 30 लाख। और ओवरऑल कलेक्शन हुआ है चौथे दिन के बाद तुम बिन टू का 2.80 करोड़। तो आप समझ गए मैं चौथे दिन के कलेक्शन की बात क्यों कर रहा था फोर्स टू के, क्योंकि फोर्स टू ने जितना चौथे दिन अकेले कमाई की है 2.50 करोड़, उतना ही आई थिंक चार दिनों में तुम बिन टू ने कमाई की है 2.80 करोड़, मतलब लगभग उसी तरह। तो इसी तरह जो कलेक्शन आया तुम बिन टू का काफी डिसअपॉइंटिंग है, सॉरी। बट जो बजट की बात करें तुम बिन टू की तो 15 करोड़ है, तो उन्हें नुकसान होगा लेकिन उस ग्रैंड लेवल पे नुकसान नहीं होगा जो शायद फोर्स टू को हो सकता है। फोर्स टू ने अभी से 23 करोड़ कमाए हैं और उसे कम से कम 45 करोड़ कमाने होंगे ताकि उसका जो बजट है वो निकल सके। 45 करोड़ फिल्म के मेकिंग बजट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और 60 करोड़ उसे अगर फिल्म कमाएगी तो 60 करोड़ के बाद उसे एक हिट फिल्म करार दिया जाएगा फोर्स टू को, जो काफी मुश्किल लग रहा है। और पहली फिल्म जो फोर्स रिलीज हुई थी वो एक एवरेज हिट फिल्म थी, एवरेज मतलब फिल्म थी अर्निंग के हिसाब से, तो मे बी ये फिल्म भी सेम उसी राह पर जा रही है क्योंकि सेकेंड हफ्ते में इस फिल्म को टक्कर मिलने वाली है, यानी कि दोनों फिल्म को टक्कर मिलने वाली है, शाहरुख खान और आलिया भट्ट की स्टारर फिल्म डियर जिंदगी से। डियर जिंदगी का अच्छा बज़ है लोगों में, गाने भी अच्छे लगे हैं लोगों को और कहीं ना कहीं आलिया भट्ट की जो स्ट्रांग कंटेंट बेस्ड फिल्म है ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। और आजकल फीमेल सेंट्रिक फिल्मों का जमाना है, फीमेल सेंट्रिक फिल्में लोग काफी ज्यादा देख रहे हो। गौरव शिंदे की ये फिल्म कितना कमाल करेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, और लेकिन सेकंड मतलब आने वाले वीक बताएगा, थोड़ा न्यूज चैनल जैसा बोलते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। तो एक्चुअली अगले हफ्ते पता चलेगा किस तरह का माजरा है दोनों फिल्मों का, लेकिन इतना तो तय है कि जो बॉक्स ऑफिस बैटल हुआ था इस हफ्ते तुम बिन टू और फोर्स टू में, वो फोर्स टू बहुत ज्यादा आगे निकल गई है और आने वाले दिनों में भी अच्छी कमाल करेगी। दोनों को क्रिटिक्स ने थम्स अप दिया था, यानी कि अच्छी फिल्म करार दिया था। तब देखते हैं दर्शक कितना इस फिल्म को अप्रिशिएट करते इस पूरे हफ्ते में और आने वाले सेकेंड वीक में। कुछ और इंपॉर्टेंट बॉलीवुड खबरें बात चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा, और आप कितने एक्साइटेड हैं दोनों फिल्मों से आप भी मुझे जरूर बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। ये मैंने हेयर कट किया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा आज ही किया। चलिए ठीक है, बाय।